व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग अपने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 72 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 73। सो लेट्स रीड। इन अ लोकल आर्ट शॉप द शॉप ओनर सेल्स 3 पेंटिंग्स फॉर द सेम प्राइस। ऑन द फर्स्ट ही मेक्स अ लॉस ऑफ 12%, ऑन द सेकेंड अ प्रॉफिट ऑफ 27% एंड द थर्ड एट अ लॉस ऑफ 18%। The approximate percentage by which the average cost price is lower or higher than the average selling prices? तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक लोकल आर्ट शॉप थी, ठीक है। उसके शॉप ओनर ने क्या किया, 3 पेंटिंग्स बेची सेम प्राइस पे। तो 3 पेंटिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पेंटिंग, ठीक है। सबकी सेलिंग प्राइस सेम है, मैं मान लेता हूँ 100 रुपीज़। इसकी भी 100, इसकी भी 100 एंड इसकी भी 100, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एक में उसे लॉस हुआ 12% का, ठीक है, दूसरे में उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 27% का, ठीक है, एंड तीसरे में उसे लॉस हुआ 18% का। तो मतलब कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगी, है ना। अब वो ये पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बाय विच एवरेज कॉस्ट जो है या तो लोअर है या हायर है एवरेज सेलिंग प्राइस से। तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। वो निकालते हैं, देखो कैसे। हम सबको पता है कि लॉस और प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एंड कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम कितना मानते हैं, 100%, है ना। ये हम सबको पता है जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है। लॉस इज 12%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 माइनस 12 88%, ठीक है। अब ये 88% जो है, जो कि सेलिंग प्राइस है, ये किसकी इक्वल है, इसका अमाउंट हमें दे रखा है 100 रुपये, 100 रुपये की इक्वल है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितने की इक्वल हुई, कॉस्ट प्राइस 100%, है ना। तो जब 8800 की इक्वल है तो 100 कितना, 100 अपॉन 88 इंटू 100, सिंपल यूनिटी मेथड। तो ये कितना आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस, इधर 10,000 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकेंड केस में निकालते हैं। सेकेंड केस में प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 27% प्लस 100%, दैट इज़ 127%। तो 127% किसके इक्वल है, 100 की इक्वल है, 100 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस इज 100%। तो जब 127% 100 की इक्वल है, तो 100 कितना, 100 अपॉन 127 इंटू 100, करेक्ट। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 10,000 अपॉन 127। सिमिलरली थर्ड में भी ऐसे ही करेंगे। लॉस है 18% का, तो लॉस माइनस होता है। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 100 माइनस 18, दैट इज़ 82%, 82% 100 की इक्वल है। एंड कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सो जब 82% 100 की इक्वल है, तो 100 कितना, 100 अपॉन 82 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 82। अब क्योंकि हमें एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालनी है एंड तीनों ही डेसिमल में आएंगे, तो कोई ट्रिक तो लग नहीं सकती, हमें कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा। सो इधर कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 10,000 डिवाइडेड बाय 88, ये आ गई 113.63, 636 है तो मैं 64 मान लेता हूँ। एंड इधर कितनी आ गई, 10,000 डिवाइडेड बाय 127, ये आ गया 78.74। इधर कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस, 10,000 डिवाइडेड बाय 82, तो ये आ गई 121.95, मतलब चलो 121.9 लिख लेता हूँ। सो दिस प्लस 78.74 प्लस 113.64, ये कितना हो गया, 314.33। तो ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस है, है ना, 314.33। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस ये कितनी हो गई, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 104.77, ठीक है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, एवरेज सेलिंग प्राइस 100 प्लस 100 प्लस 100 300, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 100 रुपये। तो हमें डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस कितना आ गया, 4.77 का, ये तो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे पूछा था अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, परसेंटेज में डिफरेंस पूछा था। सो परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो गया, 4.77 इज द डिफरेंस, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, देखो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बाय विच
एवरेज कॉस्ट प्राइस इज लोअर और हायर दैन द एवरेज सेलिंग प्राइस। तो पहली बात तो एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या हायर है या लोअर है? तो हायर है तो 104.77 माइनस 100 होगा, तो ये मतलब प्लस का 4.77 है। अब डिवाइड बाय हम किसको रखते हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, दैन द एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दैन द एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, सो दैट्स एट 4.77% इज़ योर आंसर। एंड ये ऑप्शन में दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली, तो 4.8% दे रखा है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी 4.8% हायर इज योर आंसर, ठीक है। हायर क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होती इतने में तो हम लोअर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। अ पब्लिशिंग कंपनी पब्लिश 10,000 कॉपीज ऑफ अ बुक बाय अरुण शर्मा। 800 कॉपीज वर गिवन अवे एज प्रमोशनल हैंडआउट्स टू टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। 4/5 ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, वाइल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 500 रुपीज। एस्यूमिंग वेंडर्स डिस्काउंट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑन द टोटल रेवेन्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस टू द नियरेस्ट इंटीजर इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द 10,000 कॉपीज वर्कड आउट टू 220 पर यूनिट इंक्लूडिंग ऑल द ओवरहेड कॉस्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पब्लिशिंग कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने 10,000 कॉपीज बनाई अरुण शर्मा बुक की। तो 10,000 कॉपीज़ हैं, ठीक है, एंड उसमें से 800 कॉपीज़ तो ऐसी बेच दी, मतलब प्रमोशनल में दे दी, ऐसी फ्री में, ठीक है, टू टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स। उसमें से 4/5 इसमें दे दी और रिमेनिंग कुछ कुछ डिस्काउंट करके दे दी। और एंड में हमें ये बताया कि जो 10,000 कॉपीज़ की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 220 पर यूनिट। एंड हमें निकालना क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 220 एक बुक की कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय कितनी कॉपीज प्रिंट करी, 10,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 220 एंड देन 0000, सो 22 लाख हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस में देखो, तो देखो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये 10,000 यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिकी हैं, तो पार्ट्स में इनकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो पहले 800 कॉपीज़ का बताया, 10,000 में से 800 कॉपीज़ को उन्होंने फ्री में दे दिया, तो कितने पैसे मिले, 0 रुपीज़ मिले, ठीक है। आगे बोला है 4/5 ऑफ द रिमेनिंग वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ओके, तो 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 10,000 में से 800 तो चले गई, तो बची कितनी, 9,200। तो 9,200 का 4/5 करेक्ट, तो 5 × 1 = 42, 5 × 8 देन 4 = 0, तो 184 × 4 = 16, 8 = 32, 33 × 4 = 7, 73 = 00। सो 7,300 कॉपीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें कितने में बेचा, 25% ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, वो डिस्काउंट दिया। प्रिंटेड प्राइस कितना है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंटेड प्राइस है 500 रुपये, 500 रुपये का प्रिंटेड प्राइस था, मल्टीप्लाइड बाय 25% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 25% डिस्काउंट दे दिया मतलब बचा कितना, 75%, है ना। तो 75/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितनी बेची, 7,300, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 7,600 है, ठीक है, सॉरी 7,360 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 7,360। तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला, इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 5 × 75 × 7,360, तो ये कितना आया, 276,000, सो ये आ गया 27,60,000। अब बचा कितना, 7,360 + 800, इतनी हमने कॉपीज अब यूटिलाइज कर ली है, माइनस 10,000, बचे कितनी, 1,840 कॉपीज अभी बची हैं। अब उन्हें कितने में बेचा, यहाँ लिखा है वेल द रिमेनिंग वर सोल्ड एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 500, रिमेनिंग 1,840 जो कॉपीज थी उन्हें प्रिंटेड प्राइस में ही बेच दिया। सो 1,840 मल्टीप्लाइड बाय कितने में बेच दिया, 500 रुपये में बेच दिया, तो ये कितना हो गया, 1,840 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये हो गया 9,20,000। तो टोटल कमाई कितनी हुई, ये
कि टोटल हमने 10,000 कॉपीज़ का कर लिया, तो टोटल कमाई हुई 9,20,000। सो टोटल कमाई हुई 9,20,000 प्लस 27,60,000, तो ये हो गया 36,80,000। इतनी हुई टोटल कमाई। लेकिन अभी एक मिनट, अभी तो वेंडर को भी देना है। एस्यूमिंग वेंडर्स डिस्काउंट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑन द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो हमारा ये निकला इसमें 30% तो भैया अभी वेंडर को भी देना है, ठीक है। तो 30% देने के बाद हमारे पास बचेगा कितना, 70% के इक्वल बचेगा। तो 70% ऑफ 36,80,000। सो कितना बचा हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास बचा 25,76,000। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द पब्लिशिंग हाउस। ओके, तो परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई, ये है कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 25,76,000 माइनस 22,00,000 कितना हो गया, ये हो जाएगा 3,76,000, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 22,00,000 इनटू 100। सो ये 000 से 000, 000 से 000 कैंसिल। अब ये कर लेते हैं 376 / 22, ये आ जाएगा 17.09%। सो 17.09% इज योर आंसर। एंड अप्रॉक्सीमेट पूछा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हुआ, 17% के इक्वल हुआ, तो 17% इज योर आंसर। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।